यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र भी नीट और जेई के छात्रों की तरह परेशान हैं। कोरोना के संक्रमण के डर से नहीं चाहते कि परीक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट ने हर पक्ष को व्यापक समय दिया, सबसे पूछा, सबको सुना, सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला नहीं आया है। आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए, उससे पता चलेगा कि बहस की दिशा क्या है, किस तरह के तर्क दिए गए। एक तरफ दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने डिग्री कोर्स में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कोरोना के चलते रद्द कर दिया है, तो वहीं यूजीसी और केंद्र सरकार इन परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि मुद्दा यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, तो क्या वे यूजीसी के ऊपर जा सकते हैं। राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में अधिकार रखता है, लेकिन क्या यूजीसी राज्य को ओवरराइड कर सकता है और कह सकता है कि आपको परीक्षा आयोजित करानी पड़ेगी। यूजीसी शायद ये तो कह सकता है कि बिना परीक्षा के कोई डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन क्या वो ये कह सकता है कि इस तारीख को परीक्षा आयोजित करो। वहीं यूजीसी बार बार अदालत में दोहरा रहा है कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है, यह केंद्र को तय करना है। राज्य प्राधिकरण यूजीसी को ओवरराइड नहीं कर सकते, अगर परीक्षा नहीं दी तो डिग्री नहीं मिलेगी। इस मामले में दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी करके कह दिया है कि कॉलेजों में अंतिम वर्ष में परीक्षा नहीं होगी, तो वहीं ओडिशा सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार भी इस मामले में उनके साथ खड़ी हैं। इन राज्य सरकारों का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी केवल परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश और मानकों को निर्धारित कर सकता है, वो परीक्षाओं को किसी विशेष तिथि पर आयोजित कराने का फैसला नहीं कर सकता। राज्य में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तकनीक तक सभी छात्रों की पहुंच नहीं है, सीए जैसी परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं, डिग्री कोर्स में 5 सेमेस्टर परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं, ऐसे में अंतिम वर्ष के छात्रों को छूट दी जा सकती है। हालांकि ये मामला यूजीसी और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यूजीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि परीक्षा आयोजित ना करें। अधिक से अधिक राज्य सरकार ये कह सकती हैं कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। महाराष्ट्र सरकार ने मई में विशेषज्ञ पैनल की बैठक की थी। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को पास किया जा सकता है, लेकिन अंतिम परीक्षा जरूरी है। इस बैठक के बाद युवा सेना द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। युवा सेना की याचिका के बाद सरकार का विचार बदल गया और वह परीक्षा के खिलाफ हो गई, जबकि राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करने का अधिकार ही नहीं है। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा परीक्षा सितंबर में आयोजित की जा रही है, जिसमें 2,20,000 से अधिक छात्रों के शामिल होने का अनुमान है, जबकि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में कुल 10 लाख छात्र हैं। लगभग 2.5 लाख छात्र अंतिम वर्ष के हैं। अगर राज्य लोक सेवा परीक्षा आयोजित की जा सकती है, तो अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा क्यों नहीं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि यूजीसी को निर्णय लेने से पहले विश्वविद्यालयों व अन्य निकायों से परामर्श करना होगा, वो एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकता। 30 सितंबर तक अंतिम परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश किसी सलाह के लिए बिना और राज्य में स्थिति का पता लगाए बिना लिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिक्षण और परीक्षा लेने के बीच एक सीधा संबंध है, शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे हो सकती है। गृह मंत्रालय ने अब तक शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति कैसे दे दी। यहाँ शिक्षा विशेष नहीं है, यहाँ महामारी विशेष है। महामारी हर किसी पर और हर चीज पर लागू होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि यूजीसी के 6 जुलाई के फैसले के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा होंगी या नहीं। इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को कहा है कि 3 दिनों में वो अपनी लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दें। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आएगा, जो न केवल इन छात्रों का भविष्य तय करेगा, बल्कि साथ ही केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर लक्ष्मण रेखा भी खींचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अब आप देखिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट से नीट और जेई के बारे में फैसला आया है कि प्रवेश परीक्षा होगी।
क्या इसी सुप्रीम कोर्ट से ये भी फैसला आ सकता है कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं यूजीसी के नियम के तहत उनकी परीक्षा नहीं होगी। कई तरह की परिस्थितियां हर फैसले की अलग अलग होती हैं। अगर कॉमन बात है कोरोना, तो इंतजार कीजिए कि क्या फैसला आता है, क्या एक को राहत मिलेगी, एक को इम्तहान देना होगा। और आशीष की शानदार रिपोर्ट, जिन्होंने कितने तरीके से कोर्ट के भीतर की बहस की रिपोर्टिंग की, आपको पता होगा कि किस तरह से दलीलें दी जा रही है। एक राज्य सरकार जो अपनी परीक्षा करा रही है वो यूजीसी की परीक्षा का विरोध कर रही है। इतने अंतर विरोध राज्यों ने अपने अपने फैसलों से पैदा कर लिए। अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार ये बताती अपनी जनता को कि उस